First place, no, that's a head six number, take to go, duck, so, pay, duck, it had a stroke. Idea lagai aati hai to. Take to all the, kami lagi use hoti hai, but second is, similar place, tie the knot. Need to alter or tie the knot. Turn the table. Table को turn करने का क्या मतलब है? Second is turn the court. Turn the defendant, turn the court and turn the table. Third one is eagle eyes. ईगल की आई से क्या लेना देना है, क्या संबंध है, क्या पैदा होगा? गिव द डेविल हिज ड्यू, काफी अच्छी फ्रेज है, गिव द डेविल हिज ड्यू. रामायण को याद करेंगे इसको लेते समय, क्या इसका पर्पज है, क्या इसका पर्पज है, गिव द डेविल हिज ड्यू. एंड नेक्स्ट इज फीट ऑफ के, ये कहते हैं चूल्हे को, फीट ऑफ के का क्या मतलब बता दीजिए आप. आइडिया लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, देखिए कैसे क्या होता है, लगाते हैं हमारे एक्चुअल नॉलेज पर. टर्न द टेबल, टर्न द फोर, ईगल आईज, गिव द डेविल हिज ड्यू, फीट ऑफ क्ले, टो द सैंड, टेक टू गो, डक सू, इंडा की थर्ड स्टॉप और लीड टू कॉर्नर और टाई द नॉट. Turn the table, turn the court. Eagle eyes, give the devil his due, feet of clay, blow the sand, bring to book, duck soup, a duck in thunderstorm, or leap to ponder or die the note. यदि किसी को इनका कोई आइडिया, कोई अर्थ, कोई पर्पट आता है तो थोड़ा सा लगाए आइडिया. The answer sheet में हम आई रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन. टर्न द टेबल, टेबल को ही टर्न कर देना. टर्न द टेबल, टर्न द कोर्ट यानी कोर्ट बदल लेना. ईगल आईज, फीट ऑफ क्ले, एफ डब्ल्यू डी फीट यानी पैर, क्ले का मतलब चूना, चूने के पैर होने का क्या मतलब है, मिट्टी के पैर होने का क्या मतलब है, सैंड पर हल चलाओगे क्या सेंस है, क्विक टू बुक काफी क्रिमिनल फ्रेज है, डक सो के डक इन थंडरस्टॉर्म तूफान में डक अटक गया तो क्या मतलब है, ओनली टू ऑल्टर एंड टाई द नॉट. देयर आर 10 फ्रेजेस ऑन द बोर्ड. पहले डिस्कस, टर्न द टेबल का मतलब होगा, आपने कई जगह देखा होगा, स्थिति को रिवर्स कर देना, जिसको आप लोकल भाषा में कहते हैं पासा पलट देना. पासा पलट देने को कहते हैं टर्न द टेबल, यानी स्थिति को एकदम रिवर्स कर देना. कोई चीज आगे भी चल रही थी और वो चीज आप प्रॉफिट में ले आए, टर्न द टेबल. जैसे एलन मस्क ने टेस्ला को टेक वो किया, टेक ओवर किया टेस्ला को, टेस्ला लॉस में चल रही थी, जब एलन मस्क ने इसको अपने कंट्रोल में लिया, इसको प्रॉफिट में चेंज कर दिया, तो एलन मस्क ने टर्न द टेबल कर दिया, भाषा बदल देना, स्थिति को एकदम रिवर्स कर देना. पॉलिटिक्स में अभी चाहे ऐसा कर पाता है, टर्न द टेबल ही कर देता है पूरा का पूरा, यानी स्थिति को एकदम रिवर्स कर देना. बहुत नुकसान में चल रही थी कंपनी, कोई भी चीज उसको टेक ओवर किया, उसमें थोड़ा मैनेजमेंट को ठीक किया, पासा पलट दिया, स्थिति को चेंज कर दिया, टेबल को देखकर फेस तैयार. टर्न द कोर्ट, ये भी पॉलिटिक्स से संबंधित है, जब किसी को किसी पार्टी में टिकट नहीं मिलता वो दल बदल लेता है, दल बदलने को कहते हैं आपका टर्न द कोर्ट. सिद्धू पॉलिटिक्स में था, बीजेपी से था, कुछ अटमन हुई, कुछ कंट्राडिक्शन हुए, टर्न द कोर्ट का दल बदल दिया, दल बदलना, आपकी पार्टी चेंज कर देना, आपके प्रिंसिपल चेंज कर देना, टर्न द कोर्ट.
पहले वाले कोड से आपको टर्न का कोड याद रखना है। टेबल हमारे सामने है, टर्न का टेबल है, टर्न का कोड। दल बदलना, पार्टी बदलना, प्रिंसिपल बदलना, यानी पाला चेंज करने को बोलते हैं टर्न का टेबल। इधर से उधर, उधर से इधर, यदि कोई इंसान अपना पाला चेंज करता है तो यू कैन से टर्न का टेबल। ईगल आईज, जो बाज होता है उसकी आंखें बहुत तेज होती है, वो अपने शिकार को बहुत दूरी से देख लेता है, तो ईगल आईज को बोलते हैं तेज नजर या तीक्ष्ण नजर। जो उड़ती चिड़िया के पैर गिर ले, तीक्ष्ण नजर, इसको बेकूफ बनाना नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, वो आदमी ईगल आईज कहलाता है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो चलाते हैं उनकी ईगल आईज होती है। वो यहाँ बैठे बैठे छोटे से छोटे आदमी को जो है पता लगा लेते वो क्या कर रहा है। तेज नजर, तीक्ष्ण नजर, बहुत ही तीक्ष्ण नजर, जो उड़ती चिड़िया के पैर गिर ले। ए पर्सन हु काउंट द चिकन बिफोर द हैचेट, दैट पर्सन हैज ईगल आईज। उड़ती चिड़िया के पैर गिरने को कहते हैं काउंट द चिकन बिफोर द हैचेट। ईगल आईज, तेज नजर, तीक्ष्ण नजर। गिव द डेविल हिज ड्यू, रामायण को याद करो। रामायण में जब रावण की मृत्यु होने वाली थी तो भगवान श्री राम ने कहा इससे बड़ा पराक्रमी और विद्वान आज तक दुनिया में ना पैदा हुआ है ना होगा। वो सिचुएशन कहलाती है गिव द डेविल हिज ड्यू, शत्रु की भी प्रशंसा करना, शत्रु की भी प्रशंसा करना। ये नहीं वो हमारा दुश्मन हो गया तो सारी गलतियां हो गई, कुछ तो अच्छा यह होगी। ड्यू का मतलब यह बड़ाई से है, डेविल का मतलब शत्रु है। शत्रु के गुणों की भी प्रशंसा करना हो सकता है, टेक्निकल तौर पर वो हमारा दुश्मन हो लेकिन सारी बुराइयां उसको, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, दोस्त भी है तब तक कोई बुराई नहीं, दुश्मनी होगी तो सारी बुराइयां ही उसमें, ऐसा है वैसा है क्रिटिसाइज है फलाना है दैट इज ऑल ठीक है। विचारों का कंट्राडिक्शन है, नहीं मिलती तो तेरे रस्ते में मेरे रस्ते भी क्या बुराई है, लेकिन अच्छा था, अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। इस टेंडेंसी के साथ रिश्तों को फॉलो करना चाहिए। गिव द डेविल इज ड्यू, शत्रु की भी प्रशंसा करना। ईट ऑफ पेन, कायर व्यक्ति, एस्टेटिजिस का फॉर्मूला किया था। कावड़ है, टिबोरस है, इविल है, डास्टार्ड है, कायर डरपोक, उससे जिसके फिटिंग लेके है मिट्टी के वो क्या लड़ेगा, वो आपका कायर व्यक्ति कहलाएगा। फीट ऑफ क्ले, थ्रो द सैंड, सैंड कहते हैं बालू मिट्टी को जो जैसलमेर और बाड़मेर के घरों में पाई जाती है। क्या वहां पर आप कृषि कर सकते हैं, कैन यू टिल देयर, नो वहां पर आप कृषि नहीं कर सकते क्योंकि सैंड में कितने हल चला लो कुछ नहीं हो रहा जाना। नो का मतलब है हल चलाना, बेकार का प्रयत्न करना, बेकार का प्रयत्न करना, फालतू का फट करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक ऐसा वो तो सभी ने भरे ऐसी बात क्या है, बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं वो क्लोज सेंड कर रहे हैं, फालतू का प्रयत्न कर रहे हैं, अपना टैक्स ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी करें दैट इज क्लोज सेंड। ब्रेक टू बुक, पुलिस वालों का काम है कोई भी ऑफेंस हो जाएगा उसके बाद वो जो अपराधी को ऑफेंड है वो क्या करेंगे, ब्रेक टू बुक करेंगे यानी गिरफ्तार करना, काफी यूज होता है गिरफ्तार करना। इसकी फेजर पर आ जाएगी साथ में राउंड का एग्जाम को जो पसंद है, अरेस्ट एग्जाम को पूछेगा ट्राई को पूछेगा एग्जाम को अरेस्ट को सबको आता है, अरेस्ट को पूछेगा सबको साथ ही मारना है। ब्रेक टू बुक आपकी फेजर है और राउंड जब आपकी फेजर पर है, किसी को गिरफ्तार करना, किसी को अरेस्ट करना, ब्रेक टू बुक और राउंड अप। मैंने अभी अभी कहा सिक्स को एट से कनेक्ट कर दो, सिक्स एट से कनेक्ट होने को तैयार है। 50,000 लोगों ने आरएस का फॉर्म भरा, क्या चूंकि कम आरएस का आसान काम है, नहीं आसान काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी फिर आसान, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा तो क्लोजा सेंड कर देंगे। 90% एस्पिरेंट आप क्लोजा सेंड, 90% या बोल है 90% क्योंकि एक्जेजरेशन नहीं होगा। तो डक्सूप आसान काम है क्या, ऑफिसर बन जाना, एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, डक्सूप नहीं है, आसान काम नहीं है, बिल्कुल इजी बात नहीं है कि दुकान से गए और ऑफिसर एक खरीद लाए, एक मेहनत एक प्रोसेस एक पेनफुल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा दिन रात आराम एक लोग तब जाकर कुछ आइडिया बैठेगा कि क्या होगा। ताकि थंडरस्टॉर्म कहते हैं तूफान को, तूफान में डक फंस गया,
बेसहारा व्यक्ति को बोलेंगे बेसहारा, व्यक्ति को बोलेंगे ए डक इन थंडरस्टॉर्म। फॉर एग्जांपल सलमान खान इन बजरंगी भाईजान, कोई नहीं था पाकिस्तान में उसको, कौन जानता था, वो तो खैर फिल्म थी तो क्लाइमैक्स उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया। यदि एक्चुअली जिस इंसान के साथ ऐसा हो पाकिस्तान में, बहुत उनकी बात है, इंडिया भी ऐसा हो या कोई नहीं जानता हो, मुंबई गए हमारे पास ना पैसा है ना मोबाइल है, क्या स्थिति होगी? मंडप कहते हैं क्या, वेदी कहते हैं जो हमारे हिंदू समाज में बनाई जाती है, दिस इज वेदी या सेंटर में, इसको इंग्लिश में ऑल्टर कहते हैं। वर और वधु ब्राइड और ग्रूम फेरे लेने के लिए ऑल्टर पे जाते हैं और लीड टू ऑल्टर हो गया, वहाँ जाकर ब्राइड और ग्रूम पे एक गठबंधन की गांठ बांधी जाती है जिसको प्योर हिंदी में पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, प्योर अपनी हिंदी में पाणी ग्रहण संस्कार। तो दोनों जाकर इंग्लिश से अटैच होती है और दोनों का मतलब है शादी करना, दोनों का ही मतलब होगा शादी करना, लीड टू ऑल्टर और टाई का डॉट। जब ये वीआईपी लोग शादी करते हैं तो दूसरे मतलब ये दोनों कहते हैं अटेंडिंग होती रहती है, क्या ना तब पानी टाई का डॉट है, टाई का डॉट या लीड टू ऑल्टर, कर ली है तो लेट ले जाएगा, करेगा तो लीड ले जाएगा। मंडप की तरफ गए, ऑल्टर में गए, वहां पर एक और प्रोसेस चालू हुआ, गठबंधन प्राणी ग्रहण पाणी ग्रहण संस्कार जिसको बोलते हैं, जो गांधी का जोड़ा जिसको बोलते हैं प्योर हमारे जनरल सेंस में। तो पहले ऑल्टर पे जाना पड़ेगा, फिर टाई का नोट करना पड़ेगा, इसको नोट बोलते हैं, बोली में खेल नहीं आता है, वो गठबंधन वो गठजोड़ा वो गांठ जो हमने विटनेस किया है देखा है, पहले ऑल्टर की तरफ गए फिर टाई का नोट किया, तो शादी करने को बोलते हैं लीड टू ऑल्टर और टाई का पाणी ग्रहण संस्कार भी बोल सकते प्योर हिंदी में। जो हमने देखा सोचा वो उसी वर्ड को यूज करेंगे तो हमारे लिए वो चीज में समझना इजी हो जाएगी। क्लियर? रिपीटेशन में डाल दीजिए, रोटेशन पे डाल दीजिए, पासा पलटना यानी स्थिति को रिवर्स करना, दल बदल दिया, काफी लोग बदल रहे हैं, बीजेपी टिकट नहीं मिलती तो ऐसा ही करते हैं, टिकट नहीं मिलती तो ये काम है, सेट काम है, टिकट नहीं मिली दूसरे में चले जाओ, फ्रो द सेट, बेकार का प्रयत्न करना, किसी को गिरफ्तार करना, बिल्कुल इसी बार बेसहारा व्यक्ति और शादी करना, आ जाइए पासा पलटना, टर्न द टेबल, टेबल को देख लो, दल बदलना, कोर्ट बीजेपी से कांग्रेस से, कांग्रेस से बीजेपी में, तेज नजर प्रिंसिपल साहब की, पिताजी की ईगल आई, पिताजी को सब पता है क्या हो रहा है, सर को सब पता है क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को सब पता है क्या हो रहा है, ईगल आई, शत्रु की भी प्रशंसा करना, रावण को बोला था उसके रावण के सिर पे जाके खड़े हो गए थे लक्ष्मण, तो राम ने कहा था इसके पैरों में आ, इसका शिष्य बन, इसका गुरु मत बन, तो उसके पैरों में आ जा, सिट ऑन द फीट का मतलब होता है किसी का शिष्य बनना, चलते चलते कोई फायदा, सिट ऑन द फीट का मतलब होता है किसी के पैरों में आने का मतलब होता है किसी का शिष्य बन जाना। तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि भैया सिर पे बता क्योंकि इससे बड़ा पराक्रमी और इससे बड़ा धुरंधर आज तक पैदा नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कर भाई लक्ष्मण क्योंकि पैरों में आके खड़ा हो, जो इससे शिक्षा ले सकता है इस समय वो शिक्षा ले, तो पहले तुझे सिट ऑन फीट करना पड़ेगा, तुझे शिष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि द डेविल इज ड्यू रावण के लागू होती है, गिरफ्तार करना, ट्रिक टू बुक और राउंड अप, बिल्कुल आसान कार्य है, डक सू आसान कार्य है, डक सू बेसहारा व्यक्ति, डक इन थंडरस्टॉर्म शादी करना, टाई द नॉट और लीड टू ऑल्टर, ए एल पी ई आर है ये, यदि ए एल पी ई आर होता तो परिवर्तन करना हो जाता और ए एल पी ई आर का मतलब मंडप या वेदी, मंडप या वेदी को बोलेंगे, प्रेजेंटेशन दोनों का सेम है। आइए कुछ वाक्य पर खेल खेल के बढ़ते आगे की तरफ, आज की वाक्य में एच आर सी एस, इसको कब्बे को याद कर लेना, बेसुरा, कब्बे की जो आवाज होती है, क्रो की जो आवाज होती है वो ऐसी होती है, क्या हमें कोई कहते हैं गाना गाइए सिंगे सॉन्ग बहुत सुंदर गाना, अपनी आवाज ऐसी है, इसका अपोजिट भी ले जाएंगे वो लता मंगेशकर को दे देंगे, कोयल को दे देंगे, हश की बेसुरी,
डॉकास बेसुरी एग्जाम में आ चुका है फिलहाल की संभावना कैकेफेनी बेसुरा और स्टाइनेट कोई सा वर्ड सिमिलर भी उछाल देगा कोई सा वर्ड अपोजिट भी उछाल देगा ये मैं आपको डेड शॉट दे रहा हूँ हस्की रॉकास कैकेफेनी और स्टाइनेट कभी की जो आवाज होती है बहुत सुंदर तो ये एचआरसी है तो ये कोई लालच की कोई बात नहीं उसे का अपोजिट है हस्की रॉकास कैकेफेनी और स्टाइनेट एचआरसी है नंबर टू पर लता मंगेशकर को बुला लो उनकी आवाज सुरीली थी सुरीली आवाज में एसएमएस हम किसी को आवाज एसएमएस करेंगे तो एचआरसीएस होगा एक लेडी एक रिसेप्शनिस्ट किसी को एसएमएस करेगी तो नेचुरल सी बात है उसकी आवाज सुरीली होगी कोयल की आवाज सुरीली होगी कुक्कू की जो आवाज होती है वो सुरीली होती है लता मंगेशकर की सुरीली थी और एच आर सी एस बे सुरी आवाज अपोजिट कर दो ये सिमिलर में जा रहा है पहला वर्ड है स्वीट दूसरा वर्ड है मेलो बड़ा प्यारा वर्ड है तीसरा वर्ड है सनोरस चौथा वर्ड एमजेओ ऑब्लिक में मेलेडियस ये तो आपने सुन रखा है और स्वीट का जो शानदार वर्ड है एस ए सी सैक्रीन आपने सुना हुआ है सैक्राइन बोलते हैं इसको सैक्रीन तो लोकल भाषा में बोलते हैं सैक्रीन जो आइसक्रीम में गिरती है बर्फ में डाली जाती है बहुत मीठा कर देती है वो एक्सेस में चीनी से ज़्यादा खतरनाक होती है तो ये एक्सेस में मीठी होती है इसलिए इसको सैक्रीन कहा जाता है ये हो गया एस एम एस लड़की का एस एम एस आएगा वो आपका एच आर सी एस होगा सॉरी एस एम एस होगा सुनीली आवाज में लड़का करेगा उसको एस आर सी एस में इतना सा याद रख लेना ये इसका अपोजिट है ये आपस में सिमिलर है अश्की का अपोजिट पूछेगा तो पांचों में से कोई एक और सिमिलर के लिए आपके पास एक लंबी थोड़ी कहानी है फिर आता है हमारे पास खराब अवस्था में कोई स्थिति होना तुम्हारा एसएमएस मुझे बुरी स्थिति में मिला और अच्छा लिखना नहीं आता है तुमको ये चार वर्ड आप ऐसे भी लगा सकते हैं पहला है कैटास दूसरा है शेयर्स एस एच आर ई पी एस तीसरा वर्ड है बैस एम ई डबल एस और चौथा वर्ड है शैंपल्स आप कहीं पे भी इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बशर्ते बस इससे पहले इन लगाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम इन कैटर्स जुडिशरी सिस्टम इन कैटर्स कोई सा भी कैटर्स आपकी खराब पोजीशन पे है तो आप इन लगाकर चारों में से कोई सा एक वर्ड यूज कर सकते हैं तुम्हारा एसएमएस खराब स्थिति में कोई प्रशासन हो सकता है रोड हो सकती है हॉस्पिटल्स हो सकते हैं चिड़ियाघर हो सकता है जुडिशरी हो सकती है प्रशासन हो सकता है प्रजातंत्र हो सकता है इकोनॉमी हो सकती है मैं इतने सारे उदाहरण देने की उसमें लगा देना अब आप जयपुर के चिड़ियाघर में जाइए जयपुर का चिड़ियाघर इन टैटर्स कंडीशन में है एसएमएस हॉस्पिटल भी चले जाइए इन शेड्स कंडीशन में है कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है वहां पर इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन ना होने के कारण कहीं गंदगी होगी कहीं पर पानी पीक होगी कहीं पर दीवार खराब होगी कहीं पर चूना जड़ा हुआ होगा तो वो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ड्यू टू द लैक्सिटी एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इन टैटर्स इन शेड इन मैस इन शैंपल्स एसएमएस की कहानी चल रही है अभी SMS रोज आता जाता है लेकिन आपको पांच पांच और चार नाइन पर से दोस्ती करवा जाएगा बस दोस्ती आपको करनी है खराब स्थिति में बहुत ही खराब स्थिति में बहुत ही कस्ता में खराब स्थिति में आपका मोबाइल भी हो सकता है बिल्कुल अटकड़ा हो गया मोबाइल में कैटर्स कंडीशन आपकी कार भी हो सकती है कि माय कार या कार इज इन शेयर कंडीशंस एक मैस कंडीशन लगाओ तो लगा देना कोई जरूरी नहीं है इन कैटर्स इन शेड इन मैस इन शैंबल्स कंडीशन में है आपकी कार फिर आता है सबसे टॉप का बिंदु सबसे शिखर का बिंदु सबसे पीक पॉइंट फॉर्मूला डाल दिया जा एस पी ए सी पी बनकर शिखर बिंदु को छू ले एस ए सी पी एस पी से बड़ा होता है ऐसी किसी बात है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस भाषा में बात करें तो लेकिन हमें से लेना देना ट्रेडिंग हमें तो शिखर को देखना है शिखर का मतलब सबसे टॉप का बिंदु सबसे टॉप का बिंदु इसका शिखर ये है बोर्ड का शिखर ये है
बिल्ली का शिकार सबसे टॉप पर है, जब वो मछली से बिल्ली पे चले जाएंगे तो काली गई जेरिथ के पास, पहला वर्ड। दूसरा अपेक्स जिसके नाम से इंस्टीट्यूट है। तीसरा अपोजी जो आप पहली बार सुन रहे हैं। चौथा सबिट, यदि आपने कभी चीजें पढ़ी हो तो सबिट कॉन्फ्रेंस होती है देशों की, शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं। भारत बांग्लादेश की जो जो बड़े बड़े देशों की जो वार्ता होती है उसको उस लैंग्वेज में सबिट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसको शिखर कहा जाता है। जेनिथ हो गया, अपेक्स हो गया, अपोजी हो गया, सबिट हो गया, पिनकल हो गया, ए फॉर एक्मी हो गया, सी फॉर कल्विनेशन हो गया, सबसे टॉप का बिंदु कल्विनेशन हो गया, पी वाला ये लोकल वर्ड, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट दिस इज एक्मी एंड सिमिलर वर्ड जो कील गुहा से हो जाते हैं वो एक्मी, थोड़ा सा फर्क है एक्मी और एक्मी। कल्विनेशन सबसे टॉप का बिंदु, सबसे ऊपर का बिंदु, और कल्विनेशन का एक भाई हो रहे सी पे, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है, रीसेट दो। और क्लाइमेक्स आपको आता है, लिखना चाहो तो लिख लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। ये शिखर आ गए सारे के सारे, 1 2 3, 3 और 2 छह, 6 और 3 9, और 10 वर्ड है शिखर के। क्या एसपी एसीपी बनकर शिखर को छू लिया, एसपी एसीपी से क्या की तरह डीआईजी बन जाए, आईजी बन जाए, आईजी जो है शिखर को छूता चल। सैनिक है, अपेक्स है, अपोजी है, समिट है, पिनकल है, एक्मी है, कंपटीशन है, पीक पॉइंट है। 10 पॉइंट का रोटेशन चल रहा है, सेकेंडों में चल रहा है, देखो आप सेकेंड में जा रही है चीजें। सेकेंड है, अपेक्स है, अपोजी है, समिट है, पिनकल है, एक्मी है, कंपटीशन है, क्रिसेंडो है, क्लाइमेक्स है, पीक पॉइंट है। यानी मेरे दिमाग में सारी चीजें फिट हो सकती है तो आपके दिमाग में फिट क्यों नहीं हो सकती है? आपको तो इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है, डायरेक्ट फायदा होगा इस चीज का। जेनिथ, अपेक्स, अपोजी, समिट, पिनकल, एक्मी, कल्बिनेशन, पीक पॉइंट। और एक कहानी और खत्म कर देते हैं षड्यंत्र की। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, रहा नहीं जा रहा है। षड्यंत्र हो गया, साजिश हो गया, चाल हो गया, कोई तरकीब हो गई, कुछ भी जो भी आपको कुछ और वर्ड मेरे को आ नहीं रहा, यदि आप पाए तो आप लिख देना। फॉर्मूला बनाइए सीपी ठीक है। कंस्पिरेसी आपके आता ही है आईपीसी में, कंस्पिरेसी षड्यंत्र। पी फॉर प्लॉट, ये वो वाला प्लॉट नहीं है, ये षड्यंत्र करने के लिए एज ए वर्ब भी काम करता है, ये वर्ब नहीं करता है। आर फॉर रूज, एग्जाम में आ चुका है। एम फॉर मैकिनेशन, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है मैकिनेशन। आपने वर्ग जिंदगी में कभी सुने ही नहीं, सोचो फिर एग्जाम कैसे क्रैक होगा, सुने ही नहीं। विश्वनाथ कौर उसके अप्रोच में आना, तो दूसरे कभी लाइफ में नहीं सुने। मैकिनेशन स्टेट जैम, स्टेट इसको स्टेट जैम बोलेंगे। हाँ दिख नहीं रहा है मेरे को, रिवीजन करवाने के कितने डर ले, ऊपर दिख जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा, ऊपर विजिबल है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला बनाया और उसमें षड्यंत्र को पूरा आपने यूज कर लिया, आपके फॉर्मूले का नाम है, अभी इसको खोलूंगा मैं, आपको याद, अच्छा भी याद रहेगा। टोटल देखिए 3 और 3 6 7 वर्ड षड्यंत्र में जा रहे हैं, जिसमें चाल तरकीब के, अभी और इसको मैं क्लियरिफाई करता हूँ। कंस्पिरेसी पहला वर्ड, कंस्पिरेसी दूसरा वर्ड है, प्लॉट PLOT, तीसरा वर्ड है रूज, एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर क्या दिया था वो भी मैं बता देता हूँ। मैकी नेशन इसको कैट में पूछा था, मैकी नेशन। एस फॉर स्ट्रेटजम, STRATAGEM, क्वेश्चन बनाया था उसने रूस को और आंसर शीट दी थी उसने स्ट्रेटजम की। क्वेश्चन बनाया था कंस्पिरेसी को, आंसर दी शीट दी थी स्ट्रेटजम की। जी फॉर किबिक, टी फॉर किबिक, और पी फॉर प्लॉय। प्लॉय और प्लॉट तो डेली आते हैं यहाँ से, कंस्पिरेसी, प्लॉट, रूज, मैकिनेशन, स्ट्रेटजेम, किबिक और प्लॉय। चाल, तरकीब, षड्यंत्र, साजिश, कुछ भी यूज कर सकते हैं किबिक, GIFFIC, किबिक, कोई भी तरकीब या चाल यूज करना वो किबिक है।
जैसे नहीं होता हमारी मान लो कार खराब हो गया, आपके पास कार है, मेरी कार खराब है, अपन क्या गिमिक यूज करते हैं, रस्सा बांध देते हैं ना, वो गिमिक है, या दूध की थैली ले आओ सुबह सुबह, कैंची या कटर नहीं है, कैसे फाड़ेंगे, बाल्टी वो गिमिक की तो है, और वो कैंची नहीं मिलेगी तो चाय नहीं मिलेगी, क्या देर हो रही है भाई, तो दैट इज गिमिक, इसको बोलते हैं तरकीब। कंस्पिरेसी, प्लॉट, रूज, मैकिनेशन, स्टैंड है गिमिक और प्लॉट। एक बार और चंद्र प्रकाश हो गया, कंस्पिरेसी, प्लॉट, रूल, वैकिनेशन, स्ट्रेटजी, गिमिक और प्लॉय, क्लियर कर दे फॉर्मूला वाइज, इसको याद रखने का फालतू आड़ू तरीका, चंद्र तरीका है। चंद्र प्रकाश रोज मेरे साथ गिलास में पीकर षड्यंत्र बनाओ, याद रह जाएगा। चंद्र प्रकाश रोज मेरे साथ गिलास में पीकर षड्यंत्र बनाओ, गिलास में पीकर मतलब शराब पिएंगे तभी तो षड्यंत्र बनेगा ना, ऐसे तो नॉर्मल तो पकड़ी जाएगी, याद रहेगा। चंद्र प्रकाश रोज मेरे साथ गिलास में पीकर षड्यंत्र बनाओ, चाल बनाओ, साजिश बनाओ, फालतू करेगा। हम बेसुरी आवाज के हम रो चुके सनम, याद रहेगा, याद रहेगा। बेसुरी आवाज में हम रो चुके सनम, सुरीली आवाज में एसएमएस, तुम्हारा एसएमएस खराब स्थिति में, और जा ऐसी एसी भी बनकर शिखर को छू ले, क्लियर सारी वॉक है। देखो बोर्ड पर कितनी खतरनाक वॉक चल रही है और कितनी इजी वे में चल रही है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वे। आपने जो चीज आज तक नहीं सुनी उसका मैंने आपको आपका सामना करवा दिया, और एक बार रिपीटिशन और रोटेशन, बेसुरा कव्वे को याद करो कैसी आवाज है, कोयल को याद करो कैसी आवाज है, आपका मोबाइल किस स्थिति में है, आपकी कार किस स्थिति में है, शिखर को छूना है, टॉप को छूना है, और शरीर बनाना है। करे रिपीटिशन और फिर रहेंगे क्या, बहुत स्लो स्पीड आप लोग होगी, कोई बात नहीं, मैं और लिखा दोबारा नहीं करेंगे। आइए पहला है बेसुरा, याद करना है कव्वे को, एच आर सी एस बोलते चलिए, हस्कीन, रॉकस, कैकेफोनी और स्ट्राइडेंट, रिपीट करिए, हस्की बोली आवाज दी गई है, रॉकस, कैकेफोनी, स्ट्राइडेंट, सुरीली, सैक्राइन, स्वीट, मेलो, मेलोडियस और हमारा सनोरस, लता मंगेशकर को याद कर लो, जितनी भी गायक है उनको याद कर लो, सुरीली आवाज दी होगी, हस्की दी होगी तो जल्दी कैंसिल कर देते भैया बाहर जा, जो ये हमारे शो होते हैं गायकी वाले सिंगिंग वाले, यदि उसमें किसी की एच आर सी एस आवाज होगी तो उसको बाहर निकाल देंगे, और एस एम एस आवाज होगी तो उसको रख लेंगे। आपकी कार, किसी की कार, मोबाइल, मकान, दुकान खराब स्थिति में है तो पी एस एम एस लागू कर दो, डेटर्स, शेड, मैस और शेफर्स। शिखर के लिए आइए, सैनिक, अपोजी, अपेक्स, समिट, पिनकल, एक्मी, कंडीशन, रिसेंटो, क्लाइमेक्स और आपका पीक पॉइंट, सबसे टॉप का बिंदु। और लास्ट में चंद्र प्रकाश रोज मेरे साथ गिलास में पीकर षड्यंत्र बनाओ, सी फॉर कंस्पिरेसी, प्लॉट, रूज, मैकिनेशन, 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 स्टेट जैम, गिमिक, गिमिक, गिमिक और आपका लास्ट में प्लॉट, क्लियर। आइए कल वाली बात समझ में आ गई थी आपको, बिल्कुल बिल्कुल, आज गड़बड़ मत कर देना, फाइन कर दूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ, यदि आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस कहानी को संक्षिप्त एक बार फिर वापस देखिए, जरा सी कहानी है और किसका कहा जाएगा, आई है, बी है आपका, इसका माई है, पहले इसकी कहानी को समझ लो, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, बी, और आपका पोजिशन क्या है, माई। सर ने मुझे बुलाया तो क्या आएगा, सर ने मुझे बुलाया तो बी आएगा ना, सर ने मुझे मेरी किताब के साथ बुलाया तो माई आएगा ना, तो कोई इससे पूछेगा भाई तेरा सब्जेक्ट क्या है, बोले आई, भाई तेरा पोजीशन क्या है, बोले बी, इससे पूछेगा भाई तेरा पोजीशन क्या है, बोले माई, भाई तेरा सब्जेक्ट क्या है, आई, और ये तो हेड है, हो गया पहली गाड़ी क्लियर। दूसरी गाड़ी पर आ जाओ, बी आ गया, अस आ गया, आवर आ गया, सर ने हमें बुलाया, अस आ गया, सर ने हमें हमारी किताब के साथ बुलाया, आवर आ गया, बस से पूछा तेरा सब्जेक्ट, बोले बी, तेरा पोजीशन, आवर, आवर से बोला तेरा ऑब्जेक्ट, बोले अस, तेरा सब्जेक्ट, बोले बी, ओके कहानी क्लियर। तीसरी कहानी पहले ये समझना बहुत जरूरी थी, फिर आगे बढ़े ना, यू, यू, योर, सर ने तुमको बुलाया, यू, सर ने तुमको तुम्हारी किताबों के साथ बुलाया, योर बुक्स,
तो यू से पूछा इससे, भाई तेरा पोजीशन क्या है, बोले योर, भाई तेरा सब्जेक्ट क्या है, बोले यू, इससे पूछा तेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बोले यू, इससे पूछा तेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बोले यू, इससे पूछते रहो बस की लिया। तो ही आपके जो है ये छह प्रोनाउन यदि फर्स्ट कंपल में रहते हैं कहां जाएंगे, सब्जेक्ट के पास, ये आपका सेकंड है ये कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और लास्ट पे वो भी गाली खत्म करते हैं, ही हिज हिम, सर ने उसको बुलाया, सर ने उसको बुलाया, या उसने उसको बुलाया, ही कॉल्ड हिम, उसने उसको उसकी किताबों के साथ बुलाया, उसने उसको उसकी किताबों के साथ बुलाया, ही कॉल्ड हिम विथ हिज बुक्स, इससे पूछा भाई तेरा सब्जेक्ट, बोले ही, क्या ऑब्जेक्ट, हिम, इससे पूछा तेरा पोजीशन, बोले हिज, तेरा सब्जेक्ट, बोले ही, इसे पूछते रहो कुछ नहीं करना है, फिर बुला लिया नेक्स्ट को, शी हर हर, इसका सब्जेक्ट शी, इसका पोजीशन हर, इसका ऑब्जेक्ट हर, उसको बुलाया लड़की के लिए तो हर, उसकी किताबों के साथ बुलाया हर बुक, और लास्ट में क्या है, दे दिया देम, ये भी इसी घर में रहते हैं, दे दिया देम, दे उनका पोजीशन और उनको ऑब्जेक्टिव, सर ने उनको बुलाया यानी देम, सर ने उनको उनकी किताबों के साथ बुलाया, देम को बुलाया और दियर बुक्स को बुलाया, इससे पूछा भाई तेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, बोले देम, इससे पूछा तेरा पजेसिव केस क्या है, बोले दियर, तुम दोनों का सब्जेक्ट क्या है, बोले देम, हो गए लोग, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आपके जो 10 वाले प्रोनाउन है ये कहीं नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, उनको 1, 2, 3 में कन्वर्ट कर दिया, जो पहले में 6 प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के पास, जो दूसरे में आपके प्रोनाउन है 3 वो ऑब्जेक्ट के पास, और तीसरा आपका डोज, क्लियर यादव की कहानी। अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब आपकी डायरेक्ट आप ही बनाओगे, मेरा सिर्फ डायरेक्शन रहेगा और कुछ नहीं, खटाकर बनाना, गलती मत करना, गलती करते साइन तैयार रखना। आज हम एक्चुअल में इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड क्या कहता है इनडायरेक्ट बनाने का, आप उसको आप ही बनाएंगे, गलत नहीं बनाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, गलत का यूज नहीं करेंगे। जैसे पहला आप क्या आया, कल आपने टेंस नहीं बदला था, आज आप टेंस भी बदलेंगे, कैसे, पहला एग्जांपल देखिए और उसका आंसर दीजिए, शी सेड टू बी, बहुत आराम से बनाते हुए एपीओ में लिखने के लिए भी आएगा, तो ग्रामर को लिखने की आदत भी डाल दो, वहां लिखना पड़ेगा आपको, इस बार प्रोसेस चेंज किया है, आई कंप्लीट माय डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है चूल्हा चौका यानी घरेलू काम। एक लेडी ने मुझसे कहा, शी ने मुझसे कहा कि मैं अपने घरेलू कार्यों को पूरा करती हूँ, ऐसा उसने मुझसे कहा। दिमाग में आपका ध्यान से शीट में नहीं जा रहा है, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप बनाना है आपको, बना लेना, गलत मत करना। तब तक एक एग्जांपल और जोट डाउन कर दूं, नंबर 2 पर ही सेड टू बी, ही सेड टू बी कॉमा क्या कहा, यू आर एस ही गो विद लेटर टैलेंट, यू आर ऐसे ऑफ हिज लेटर टैलेंट, लेटर टैलेंट का एक अच्छा वर्ड है छिपी हुई प्रतिभा, ऐसे ओ भी एक अच्छा वर्ड है परख करना, किसी की परख करना आपका कहलाएगा ऐसे ऑफ, छिपी हुई प्रतिभा जो मान लो किसी को पता नहीं है, छिपी हुई प्रतिभा जैसे वो रेस रेशे में लेके आया था उसको रामू बर्धन को, उसको क्या पता मैं गायकी कर सकती हूँ, छिपी हुई प्रतिभा, बहुत अच्छे से बनाना, जबकि डायरेक्ट से मतलब है, वॉकअप से मतलब है लेकिन थोड़ा कम है। आज चले बनाए आंसर शीट तैयार कर दिया आपको, शी को कोई परिवर्तन नहीं, शी कहता है मैं सब्जेक्ट, सेट टू बदलेगा टोल्ड में, आज टोल्ड हो जाएगा, कल आप सेल कर रहे थे, यही असली डायरेक्ट है, सेट टू बदलेगा टोल्ड में, बी का भी कोई चेंज नहीं, कंजक्शन क्या आएगा, डेट आएगा, यहाँ तक की कहानी पे रुक जाओ, सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया डेट, सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया डेट, हो गई दो कहानियां। आई को भेजो बड़े प्यार से शी के पास, क्या मांगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, शी हो गया,
आज बाहर कौन खड़ा है? पास्ट खड़ा है, तो पास्ट से ये डरता है, पास्ट को देखिए डरता है, बोले मैं ऊपर जाऊंगा। प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो नहीं डरता, पास्ट खड़ा है, बोले मैं तो ऊपर जाऊंगा। फिर भाई कंप्लीट कहाँ चला जाएगा? वन की फर्स्ट फॉर्म पे कहाँ चला जाएगा? बीटू के पास, बंदो बड़े प्यार से, बड़े आराम से सिस्टमेटिकली कंप्लीटेड हो गया। रुक रुक कर वर्क को चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, माई माई साहब कहाँ जाएंगे? जी के पास क्या मांगेंगे जाकर कि मैं आया हूँ पोजीशन के रूप में? मैडम आपका पोजीशन क्या है? हर है, कोई और चीज नहीं, कोमा इन्वर्टेड कोमा का आया, हर डोमेस्टिक डॉट्स। स्टेप बाय स्टेप लिखने में भी एक्सपर्ट हो जाओ और मातों में ऑब्जेक्ट देखना है, मातों में ऑब्जेक्ट उसको उठाना है कैसे। शी टोल्ड मी दैट शी कंप्लीटेड हर डोमेस्टिक वर्क। देखो अभी लिखने के लिए आ गई तो कोई डेड ही ऑब्जेक्ट में आ गया था, क्योंकि आप अपने हाथ से ग्रामर लिख रहे हो, दूसरे पर आओ। ही टोल्ड मी, सेट टू मतलब टोल्ड में कंजंक्शन आया दैट, ये कहानी को आप बार बार बोलेंगे। यू कहा जाएगा? बी के पास जाके बोलेगा भाई तेरा सब्जेक्ट दे, बोले आई ले जा। सेकंड वाले की बात पास्ट कर रहा है, पास्ट है क्या? पहले वो देखेगा पास्ट है कि प्रेजेंट है, पास्ट है भैया। तो आज इसमें चला जाएगा ऊपर, आई बॉस आपका पहले पढ़ा हुआ है, इसे बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, अदरवाइज इनडायरेक्ट के नाम से लोगों के हाथ पैर उठते हैं, पता नहीं क्या आफत आ गई। वर्क को चेंज करना नहीं है, मेन वर्क को, मेन वर्क वही की वही थी। इस कहा जाएगा? इस कहा जाएगा? अरे कहीं नहीं जाएगा, इसका सोने के बाद भेजो कहाँ भेजोगे? ये कहता है छह वाले आएंगे मेरे पास, ये कहता है तीन वाले आएंगे मेरे पास, इस कहता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, जबरदस्ती कराऊंगा, नहीं है मेरे पास, कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस इतनी सी आपको मैथमेटिकल अप्रोच करनी है। इंग्लिश के वे में पढ़ोगे तो कोई नुकसान ही नुकसान है, आप पढ़ोगे इसको मैथमेटिकल अप्रोच में, आप इसको लेंगे मैथमेटिकल अप्रोच के जरिए। बहुत इजीली है, बहुत इजी है, आपको लिखना भी आना चाहिए कि एपीओ में वो लिखवा भी रहा है, इसलिए हमें जो है बहुत अच्छे से गेम खेलना है। यू सेट टू बड़े आराम से, नेक्स्ट एग्जांपल यू सेट टू बी कुछ भी कर दो, हमें तो गेम वही है। यू सेट टू बी आई हैव एक्स कैलकुलेटेड, I have exculpated my brother. मैंने अपने भाई को रिहा कर दिया है। टेंस को भी समझते जाना, टेंस कौन सा आ रहा है? परी करना। यदि आपका वो बेस स्ट्रॉन्ग है तभी आज ये गेम खेल रहे थे, तो औकात ही नहीं गेम खेल लेगी, अच्छे अच्छे औकात नहीं है। मनी मन आंसर बना लेना, मनी मन तो भी लिखना कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। उसने कहा I have exculpated my brother, मैंने अपने भाई को रिहा कर दिया है। He said to them, होमा लगाया फोर्थ में आ जाइए, एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका भय खुल जाए, क्योंकि मैं जब आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा पेपर में तो ये ट्रिक तभी काम करेगी। I have been perjuring since cold blooded murder. उसने कहा कि साहब मैं तो है ना जो है सोची सत्य की हत्या से ही झूठी गवाही देगा। उसने उसको कहा, फर्स्ट का सेंटेंस आ गया, सेकंड का सेंटेंस आ गया, थर्ड का सेंटेंस आ गया, फोर्थ का सेंटेंस आ गया। बड़े आराम से बदलना है मैथमेटिकल अप्रोच में, और इस तरीके से दिमाग में फीड किया करो जैसे किसी को समझाना हो। दिमाग में नॉलेज देने की ट्रिक बता देता हूँ, इस तरीके से नॉलेज दिया करो जैसे जाके किसी को सब जाना हो, और वो कितने भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, और वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपको क्रिएट कर लिया करो, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। एक अच्छे टीचर की और एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है वो कितने डब्ल्यू एच क्वेश्चन वहां से क्रिएट करवा सकता है, ये उसकी सबसे बड़ी आर्ट है। तो देखिए आप यू सेट टू बी, यू सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया दैट, सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया दैट, आई गया यू के पास, मांगा सब्जेक्ट, आई ने दे दिया भाई यू ले जा, ठीक है। इस सेंटेंस ने देखा कि बाहर कौन खड़ा है, पास्ट खड़ा है, देख के डर गया, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, डर गया ना, ये तो उसी को नहीं डरता, ये आता दूसरे को डरता नहीं है। हैव किस में बदल गया? हैड में,
एक्सकल्पेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको तो वहां भी चेंज नहीं होना है क्योंकि उस रूप में भी ये, इस रूप में भी ये, तो क्यों वहां भी प्रेजेंट है। अब आया माई ब्रदर, माई जाएगा कहां पर, फिर जाएगा यू के पास, क्या मांगेगा पोजीशन, माई का पोजीशन क्या हो गया बड़े आराम से क्यों हुआ बताओ, समझ में आया नहीं यार, दूसरी बात है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, मजा आ रहा है तो समझ में अपने आप ही आ रहा है। He said to Badla told me, दिमाग ऑटोमेटिक बोल देगा, याद से डालो, said to Badla told me, conjunction आया था क्योंकि आगे conjunction चेंज होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, affirmative sentence है। said to Badla told me, conjunction आया था, I भाई साहब गए he के पास, मांगा subject, he ने अपना subject he दे दिया, गाड़ी खत्म। इसने, इस वाले ने बाहर देखा, बाहर कौन है, बोले पास है, डर लग गया भाई साहब को, सीधे ऊपर चले गए, ऊपर कौन रहता है, जस्ट इसके ऊपर कौन रहता है, हेडवीर, हेडवीर इसके ऊपर रहता है, हेडवीर कहानी खत्म, वहां पर भी यही रहती है, यहाँ पर भी यही रहती है, दोनों भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पाजरी और कोई कहानी में चेंज होगा नहीं, वहां भी सिद्ध रहता है, यहाँ भी सिद्ध रहता है, सेंस ओल्ड ब्लडेड मर्डर, सेंस ओल्ड ब्लडेड मर्डर। सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया दैट, आई गया ही के पास, मांगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही दे दिया, हैवी ऊपर चला गया क्योंकि बाहर पास्ट है, पास्ट से सब लोग डरते हैं, तो इसने अपना रूप ही चेंज कर दिया, हेडवीर कर लिया, इसके कारण इससे डरकर इसने अपना जो है ऊपर चला गया और रूप ही चेंज कर लिया, हेडवीर पजरिंग सिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यू सेड टू अस, फिफ्थ का एक एग्जांपल, यू सेड टू अस क्या कहा, वी अजोल्टेड देम रूथलेसली, पांचवें का यू said to us, क्या कहा, we assaulted them ruthlessly, he assaulted, assaulted आपके आता है हमला करना, मुंदर मारना, we assaulted them ruthlessly, ruthlessly, we assaulted them ruthlessly। आप उम्मीद करता है कि बहुत प्यार से, बहुत शान से, बहुत आप इसका स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट करेगा, आपको लिखना भी है, केपीओ में तो पूरी ग्रामर लिखवाएगा वो, इसलिए हर को लिखना तो आना ही चाहिए, लिखवाए नहीं लिखवाए इससे कोई मतलब, लिखने से वो आपका दिमाग जो है क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में एक एग्जांपल छठे का, क्या कहता है छठे वाला, शी सेड टू बी, शी सेड टू बी, क्या कहता है छठे वाला, You were tearing your dog. You were. तुम अपनी मोटी किताब को फाड़े। You were tearing your dog. चौथा मतलब मोटी किताब होती है, बुक वगैरह नहीं लगाना पड़ता, जैसे डिक्शनरी होती है या आईपीसी का बड़े वाला बेरेट लिया है, बड़े वाली किताब लिया है, आईपीसी का सीआरपीसी का कंबाइंड लिया है, तो टॉम होती है। You were tearing your dog. ये कहता है मैं पांच का इंडायरेक्ट हूँ, ये कहता है मैं छह का इंडायरेक्ट हूँ, कुछ कई कई और जो सुन के छह का इंडायरेक्ट बनाना है, तो देखिए आप क्या कहता है ये बड़े आराम से, यू सेट टू बदला टोल में, सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया दैट, सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया दैट, बी जो है यहाँ पर जाएगा यू के पास, तो बोलेगा तुम तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है, बोले यू या तुम सब लोगों को ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू अजोल्टेड, ये बदलेगा नहीं सॉरी, यू अजोटेड ने बाहर देखा, बाहर क्या देखा पास्ट है, तो अजोटेड कहा जाएगा साथ वाले में, हैड आ जाएगा, यदि यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो कोई परिवर्तन नहीं, उधर देखा मैं कहा जाऊं फर्स्ट वाला जाने नहीं देता है, मैं कहा जाऊं सेकंड वाला जाने नहीं देता, कोशिश तो की पर नहीं दी, रूपे लोक है, लैच है, कुछ परिवर्तन नहीं करना, दैन का दैन आ गया और बाकी कहानी वैसी की वैसी रूपलेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब। सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया था, बी गया यू के पास, मांगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसे यू दे दिया, अजोटेड गया ऊपर वाले में, बदल गया हेड में, देन को जाना नहीं है, फिर की भी क्लियर कहानी, और एक कहानी और, यस की आज अपने फरवरी में चेंज कर दिया, शी टोल्ड बी, सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया था, यू भाई साहब कहते हैं फर्स्ट के पास तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि उधर तो छह पहले बुक है, छह लोग हैं, बुक है वो तो लैच है बाहर से,
तो कहाँ जाऊँ सर, यहाँ पे जगह नहीं मिली तो नेचुरल है अपन सेकंड कंपार्टमेंट ढूंढते हैं, और ये जा सकता है क्योंकि तो अभी जगह है यहाँ पर 3 लोगों के लिए जगह है, यहाँ पर 6 लोगों के लिए, यहाँ पर 3 लोगों के लिए 10 है, पढ़ ले दो अपन। यू गया बी के पास, भाई तेरा सब्जेक्ट क्या है? बोले मेरा सब्जेक्ट भाई आई ले जा, ठीक है। वर दे देगा बाहर, पास के अंदर गया, बोले सीधा भैया सॉरी वर बाहर देखेगा, मेरे को भेज दे तू 8 में, जो पढ़ी वो क्रॉस में जाएगा, जो ऊपर वाला कार्यक्रम खत्म है क्रॉस पे। वर जाएगा हेडबीट में रूप नंबर 8 में, वर जाएगा हेडबीट में रूप नंबर 8 में। वर ने क्या देखा भाई, वहां पर भी वही है यहाँ पर भी वही, तो मुझे तो देखने से कोई मतलब ही नहीं, वहां पर भी आप पीएल की लोगे, यहाँ पर भी आप पीएल की लोगे, सीधी सी बात है। जो और ने फिर देखा भाई मेरा तो बदलोगे, ये बदलेगा, ये बदलेगा आज, ये नहीं बदलेगा अभी तो, ये बदलेगा यहाँ स्थिति चेंज होगी, 1 2 3 4 5 आज के चेंज होगा ये। यो फिर कहता है कहाँ जाऊँ भाई साहब, क्यों गए थे मैं आप ही की कहते ही रहता हूँ, तो जहाँ गए थे मुझे भी उसका पता दो, बोले जा सके नंबर वाले के पास। योवर गया बी के पास, क्या मांगा? पजेशन, पजेशन कब जा, कब्जा दे दिया उसने भाई, और कोई परिवर्तन यहाँ पर संभव। सेट टू बदला टोल में कंजक्शन आया दैट, यू गया बी के पास मांगा सब्जेक्ट टाई दे दिया, वर गया हेडविन के पास रूट नंबर 6 से जंप कर गया ये 8 में क्योंकि उसे डर लगता है कि बाहर फास्ट है। योवर गया फिर बी के पास क्योंकि यू के रूप में रहता है तो वो जहाँ जाएगा जहाँ वहाँ ये जाएगा, लेकिन अलग रूप में जाएगा, अलग अदा भी जाएगा, अलग प्रेजेंटेशन भी जाएगा। योवर गया बी के पास, उससे मांगा पजिशन, उसने कहा भैया वो भी आया था तेरे रूप से आया था, वो सब्जेक्ट लेकर गया, तू ऐसा कर पजेशन लेके चले जा और कहीं पर मेरी भी जरूरत हो तो मुझे भी ले जा। बोले अभी तेरी जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत है तुमसे तुम्हारे रूप में सब्जेक्ट की दे दो, अभी हमें जरूरत है तुम्हारे पजेशन की वो दे। बताओ कहानी नंबर 2 क्लियर हुई है नहीं, कहानी नंबर 2 क्लियर हुई है नहीं, और एक मॉडल की कहानी और खेल जाते हैं जो थोड़ा सा आपका ऑप्शन है, और टेस्ट पेपर जो होता है उसके आंसर शीट आप लोगों को भेजता हूँ क्या विद बाय ऑडियो, बाय ऑडियो कोई बात नहीं, मेरे टेस्ट को कंटिन्यू लो आज से, आई कैन सेंड द ऑडियो, ऑडियो सॉल्यूशन, उसको 5 मिनट सुनो मोर देन सफिशियंट, उससे टाइम भी खराब नहीं होगा और हमारी ग्रामर 22 तारीख तक रिवाइज होती रहेगी, उसका ये बेनिफिट है। 5 मिनट का ऑडियो है मैक्सिमम, रूल यहाँ पर हो ही गए हैं, सोल्यूशन को पकड़ना है तो 5 मिनट को 3 बार सुनोगे तो 15 मिनट हो गए ना, और हमारा इजी भी रहेगा और 22 तारीख तक हम रिवीजन भी होता रहेगा, जिससे आपके वो ज्ञान पे धूल भी नहीं पड़ेगी। आपने तो जिद कर रखी है, क्योंकि तो मैंने भी जिद कर रखी है 15 out of 15, और ये जिद श्योर 100% गारंटी है। ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़ जाना ताकि मैं उनको ऑडियो सेंड करता रहूं और आप उसको 5 मिनट वाली, 5 मिनट ज्यादा का पता नहीं है, उसको सुनने में 5 मिनट जब भी टाइम ले सुना तो वो रोटेशन पे आता रहे, तो टाइम भी खराब नहीं होगा, एनर्जी भी खराब नहीं होगी, और 22 तारीख तक या 23 तारीख तक भी 10 मिनट पहले जुड़ सकते हो, सकता है एक पेपर लोड कर। ओके आइए एक खेल खेल जाते हैं मॉडल्स के, उसमें बाहर सेट टू लिख दिया ही सेट को भी, बाहर क्या लिख दिया इसने, लिख दिया आई विल सेल माई हाउस, आई विल माई सेल माई हाउस, मैं तो अपना मकान बेचूंगा। विल यहाँ पर मॉडल की कैसे कैटेगरी भी ले रहा है, उसको की फ्यूचर का तो डायरेक्ट होता ही नहीं, तो मॉडल मान के चल रहा है ये। नेक्स्ट है यू सेल टू हिम, यू मे पॉन योर हाउस, अलग अलग प्रोनाउन भी ले लिया तो प्रोनाउन का कंसेप्ट भी एक बार क्लियर हो जाएगा, और एक लेते हैं थर्ड में, एक मॉडल का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तीन मॉडल ले लिए और तीनों में प्रोनाउन भी चेंज कर दिया ताकि हमारे प्रोनाउन की स्ट्रीम भी एक बार आपके दिमाग से रफली गुजर जाए। हर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आएगा, उसको आप 5 मिनट का सॉल्यूशन है, बड़े आराम से दिन में 3 बार सुन सकते हैं, तो दिमाग की कि पहले आपका जो है अफर्मेटिव है सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया है, वो कहानी तो वैसी की वैसी, सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया है, आई गया ही के पास मांगा सब्जेक्ट, ही उसने सब्जेक्ट दे दिया,
बिल ने चेंज होने से पहले बाहर देखा कि कहीं पर सेव और सेस टू है, तो मैं काय को बदलू, काय को इधर उधर जाऊं, इससे कहा नहीं भैया बाहर सेट टू है, ये भी डर गया और इसका अपना रूप रंग चेंज कर लिया, ये चला गया बुढ़ के पास, बिल बदल गया बुढ़ में, बुढ़ के साथ भी बनाती है, बिल के साथ भी बनाती है, तो या तो अभी कोई टेंशन ही नहीं, सीधी सी बात है। फिर आपका माई है वो गया वापस ही के पास, उससे भाई बोला तेरा पजीशन दे दे, उसने अपना पजीशन दे दिया। अरे आराम से टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से, क्वेश्चन पेपर को टेक्निकल तरीके से लाया जाता है, लोग सोचते हैं आलू तरीके से लाए, आलू तरीके से पेपर इतना क्या दिखता दिख नहीं, टेक्निकल, तू टेक्निकल का हमारे साथ, हम तेरे साथ टेक्निकल लगाएंगे खतरनाक तरीके से। सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया है, विल इस समय मॉडल बिरादरी से है, टेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वहां पर तो पहले ही कह चुके हैं कि शुरू के छह टेंस का डायरेक्ट होगा, ये मॉडल बिरादरी से ये चार लोगों के साथ रहता है, विल का हो गया वुड, विल भी वीवन देता है, वुड भी वीवन देता है, माई गया ही के पास, हिज हो गया, सेट टू बदला टोल्ड वे कंजक्शन आया दैट, आई गया ही के पास, मांगा सब्जेक्ट ही हो गया, विल ने बाहर देखा सेट टू है, पास्ट डेफिनेट है, तो मुझे बदलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, फुट हो गया, सैलेम भी दाएं बाएं देखा लेकिन बोला बिल के साथ भी विवाद और फुल के साथ भी विवाद, फिर माई के पास गया, माई से ले गया कि देखो मेरा आई गया है तो मैं भी जाऊंगा, जा भाई कहाँ जाएगा, बोले ही के पास, क्या मांगेगा, पजीशन मांगेगा, ही जाओ कोमा इन्वर्टेड कोमा गायब। यू सेट टू ही, दिमाग में फिट हो गया आपको कहानी, सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया दैट, यू कहा मैं फर्स्ट में तो जा नहीं सकता क्योंकि प्रतिबंध है, मां तो भूखे थे लोगों से, यू गया ही के पास, क्या मांगा भाई ने, सब्जेक्ट मांगा, हिंदी बड़े प्यार से अपना सब्जेक्ट ही दे दिया, वे बोला मेरा क्या, मेरे बदलने से पहले भाई देख लेना, जरूर बदलने से पहले देख लेना कि बाहर पास्ट है, बोले मेरे को भी बदलो, पास्ट है तो सब बदलते हैं, मेरे को बदलना पड़ेगा, एक का माइंड हो गया, एक के साथ भी विवाद, माइक के साथ भी विवाद, तो इस मैटर पे तो कोई असर पड़ा नहीं, वे करोगे तो भी बोले विवाद आएगा, माइक करोगे तो बोले विवाद आएगा, और अभी कहानी बाकी है बदलते हुए। योर ने कहा मेरा भाई यू कहीं गया है, बोले कहाँ गया है, बोले सेकंड नंबर पर, तो बोले मेरे को भी भेजो, वो बतलाए तो मैं इस फॉर्म में कैसे रह सकता हूँ, उसने अपना रूप बदल लिया तो मुझे भी रूप बदलने का मौका दीजिए। योर गया हिम के पास, क्या मांगा, पजिशन मांगा, अपना पोजीशन हिज दे दिया, और कोई चेंज यहाँ पर संभव नहीं। सेट टू बदला टोल्ड में कंजक्शन आया दैट, यू गया हिम के पास, मांगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसने ही दे दिया, वे चला गया माइंड के पास क्योंकि बाहर पास्ट है, और पे फर्क आने नहीं दिया क्योंकि वहां भी विमान है, यहाँ भी विमान है। योर गया फिर हिम के पास, मांगा पोजीशन, हिज आ गया। आगे आइए लास्ट का भी इस सेक्टर की कनेक्टिविटी करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। He told him, conjunction आया है, कल interrogative बहुत important है, कोई रोक मत करना, important interrogative में question और blank space दोनों को cover करवा सकता है, वो उसकी वो है इच्छा। Set to बदला told में conjunction आया है, he ने कहा नहीं जा सकता, he ने कहा नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, बोले छह लोगों से book है, बोले तीन लोगों से book है, तो मेरे को कहाँ भेजोगे आप, दो ही कमरे हैं, इसलिए छोड़ो जहां वही ठीक हो, वो गया इसका तो काम। कैंडी किसको देखा, बदलने से पहले इसको देखा कि क्या प्रेजेंट या फ्यूचर है क्या, बोले नहीं है, सेट टू है, पास्ट है, तो भाई मैं को भी बदल दो, ऐसा करो कैंड का जो पास्ट इसका मॉडल है वो खुद कर दो। डेविस ने देखा, डेविस ने क्या देखा, मुझे बदलने की जरूरत है क्या, बोले नहीं, कैंड के साथ भी बनाता है और खुद के साथ भी बनाता है, चाहे खुद आपके पास्ट का मॉडल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी बीमन लेता है, ये भी बीमन लेता है, जब तक ये बॉर्डर्स पैसिव हो इसमें ना हो। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, डेविस का डेविस आ गया, फिर हिस गया, हिस कहता मैं कहाँ जाऊं, जब मेरा बड़ा भाई कहीं नहीं जा सकता, उसके लिए दरवाजे बंद है, तो मेरे को कहाँ भेजोगे, जहाँ है वही खुश है, वो तो चले गए, ये वो नहीं जा पाया, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, छह वाले चले गए फर्स्ट में, तीन वाले चले गए सेकेंड में, हम दस के लिए कहीं जगह नहीं है, नहीं है तो ना सही, जहाँ है वही खुश है, इसका हिज आ गया और कोई परिवर्तन या संभव।
क्लियर इनडायरेक्ट की राम कहानी, इनडायरेक्ट की राम कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम इसको इंट्रोगेटिव करेंगे और डे बाई डे जो पेपर अपना आता है उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, लोड हो चाहे नहीं हो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, पहले उसको उतार लेना, लिख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, सोल्व हो तो सोल्व कर लेना, फिर उसका जो ऑडियो सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा। तो कल के पेपर का पीडीएफ मैं आज भेजता हूँ, उसका ऑडियो सोल्यूशन भी आप देता हूँ विद इन 5 मिनट इज मोर देन सफिशियंट, 3 बार पढ़ोगे तो 15 मिनट मोर देन सफिशियंट, जितने बड़ी टाइम है वो प्रैक्टिकल तरीके से, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और जुड़े रहेंगे 23 तारीख तक 10 मिनट पहले तक। तो मेरा टारगेट मैंने आपको फिर कह दिया ये वाला है 50 आउट ऑफ 50 से मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, ये आपके लिए शर्त भी है, गुरु दक्षिणा भी है और हमारा पढ़ाई का रिटर्न भी है। कर पाओगे पूरा प्रतिवीर? श्योर श्योर, वेरी गुड। ऑनलाइन फ्रेंड में से जुड़ जाना जो जुड़े हुए नहीं है, और मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।